हाय, मैं हूँ बाइकर टूरिस्ट सूर्या और आज हम जा रहे हैं चिल्का लेक, जो कि बालूगांव के पास ही है। और इस वक्त हम चंदका डामपड़ा अभयारण्य से शुरू कर रहे हैं, जो कि भुवनेश्वर के पास है और यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे यह है। आप देख सकते हैं चिल्का लेक ईस्ट कोस्ट में स्थित है और पूरी खुर्दा और गंजाम डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ है। इस वक्त हम जा रहे हैं हाईवे पे और आके पहुंच चुके हैं खुर्दा में। ये खुर्दा का अंडरपास है। ये भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर के दूरी पे स्थित है और बहुत अच्छा वेल कनेक्टेड रोड से हाईवे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हाईवे है और यहाँ पे जाने के लिए आपको बस, ट्रेन और टैक्सी आसानी से मिल जाता है। रहने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है और हम जाके पहुँचेंगे बालूगांव से हम जाएंगे बरकुल, जहाँ पे कि हम लोग खाना खाएंगे, फिर अपने सफ़र को जारी रखेंगे और मैं आपको बताऊंगा क्यों आपको ये चिल्का लेक अपने फैमिली के साथ देखना चाहिए। ये एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लगून है और लगभग 1170 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, लगभग दिल्ली जैसा शहर के इलाका। हम आके पहुँच गए हैं बरकुल, जहाँ पे पांथर निवास है और खाने का सुविधा है और यहाँ पे सारे टूरिस्ट यहाँ पे ही आते हैं। हम आके पहुँच गए हैं चिल्का ढाबा, जो कि फेमस है इस इलाके का। जितने भी सारे सी फूड्स हैं, जैसे क्रैब हो गया या प्रॉन हो गया, यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर है और यहाँ पे बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है। यहाँ पे खाना खाए और यहाँ पे बहुत तरीके की सी फूड्स भी यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। हम आके पहुँच गए हैं प्रॉपर चिल्का लेक और इस डेक को बनाया है उड़ीसा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। चिल्का लेक का एक हिस्से को घेराबंदी करके आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहाँ से कि बोट वगैरह जाते हैं, फेरी शिप्स जाते हैं यहाँ से, और ये एक हिस्सा जिसको बनाया गया है आर्टिफिशियली। चिल्का लेक लंबाई में 65 किलोमीटर और चौड़ाई में 5 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक है और इसका जो सी माउथ है, यानी कि जो समंदर से मिलता है, जहाँ से समंदर से पानी इसके अंदर आता है, जिसके चलते इसको लागून कहा जाता है, वो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबाई की है। बहुत सारे नदी आके इसमें मिलते हैं, जिसके चलते इसमें बहुत बायोडाइवर्सिटी होता है, मरीन ब्रैकिश वाटर और फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर यहाँ पे भी होता है और यूनेस्को इसको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट मानता है। ये है फ्लोटिंग डेक, इसका ऊपर विजिटर्स चल सकते हैं और किनारे पे कई सारे बोट्स लगे हुए हैं। यहाँ से बोट जाते हैं जो कि अलग अलग आइलैंड घुमाने ले जाते हैं, कालीजाई मंदिर भी घुमाने ले जाते हैं। यहाँ पे पावर बोट और वाटर स्कूटर्स भी चलते हैं, वाटर स्पोर्ट्स भी होता है, उसका भी लुत्फ़ उठा सकते हैं आप। ये कितना बड़ा है इससे अंदाज़ा लगाइए कि इसमें 132 गांव हैं और लोग यहाँ पे रहते हैं और ब्लॉक भी है इसके अंदर। ये सारे बोट्स हैं जो कि घुमाने ले जाते हैं लोगों को। और ये देखिए, कहीं किनारा भी दिख नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे समंदर है, ये समंदर नहीं बल्कि चिल्का लेक है। और ये कालीजाई टापू है, जहाँ पे कि माँ कालीजाई का मंदिर है, लोग यहाँ पे पूजते हैं, बहुत मानते हैं। और ये रहा कालीजाई टापू। लगभग 2 लाख मछुआर परिवारों का पेट का भरण पोषण करता है ये चिल्का लेक। चिल्का लेक एशिया का सबसे बड़ा विंटरिंग ग्राउंड है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, जो कि कास्पियन सी, लेक बैकाल, रशिया, मंगोलिया, साउथ ईस्ट एशिया से आते हैं और इनको देखने के लिए विजिटर्स आते हैं। मंगला जोड़ी करके एक जगह है खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बहुत ही फेवरेट हॉटस्पॉट है टूरिस्ट के लिए और बर्ड गेजर्स के लिए। वहाँ पे आके आप सर्दी के दिनों में, यानी कि दिसंबर जनवरी में, आप माइग्रेटरी बर्ड्स का लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ पे हर साल लगभग 20 लाख माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और यहाँ पे इरावाड़ी डॉल्फिन्स भी पाए जाते हैं, जो कि सातपड़ा में पाए जाते हैं पूरी डिस्ट्रिक्ट में। मैं आपको एक दूसरा वीडियो बना के उसमें दिखाऊंगा।
यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त आपके मन को मोह लेंगे। एक सीमित बजट के अंदर आप अपने परिवार का साथ बहुत ही आनंद ले सकते हैं। पंथनिवास में रह के 2,500 रुपया प्रतिदिन का किराया, और भी सारे होटल्स हैं यहाँ पे, रहिए और एंजॉय कीजिए। और भी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाइकर टूरिस्ट सूर्य। थैंक यू।